शन्नो मित्रः शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शान्ति शान्ति शान्तिः। शंका समाधान में आपके दिए हुए प्रश्नों को एक एक करके लेता हूं। प्रश्न है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अथवा अंतःकरण को पवित्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये शिविर में आपको यही सब बताया जा रहा है, उपासना, वेद स्वाध्याय, क्रियात्मक योगाभ्यास, ज्ञान कर्म उपासना, आत्मनिरीक्षण इत्यादि, योग दर्शन, इन सबके माध्यम से आप वो सब सीखेंगे जिनसे मन पवित्र होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इन सबको आचरण में लाना करना ये उपाय हैं। फिर भी संक्षेप से कहें तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, और संक्षेप से कहें यम नियम का पालन करना, अशुद्ध वातावरण से दूर रहना, त्रुटियों से बचना। आगे दिन भर में और ध्यान के समय असंख्य विचार, कुछ आवश्यक और अनेक आवश्यक उत्पन्न होते हैं। व्यवहारिक रूप में कैसे एकाग्र करें, कृपया निर्देश करें। विचार क्यों आते हैं, इसको जब धीरे धीरे जानेंगे तो कारणों को दूर करने से कार्य भी दूर होगा। योग दर्शन में विचारों को रोकने का उपाय या तो आपके आ गया होगा या आ जाएगा, अभ्यास और वैराग्य। यदि हमारी लालसाएं अधिक बनी हुई हैं, सांसारिक, तो उनसे संबंधित विचार अधिक आएंगे। व्यवहार में यम नियम का पालन नहीं है, हम कुछ विपरीत आचरण करते हैं, अन्यों को समस्या होती है, वो फिर प्रतिक्रिया करेंगे, भला बुरा कहेंगे, अपयश होगा, फिर हम अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करेंगे, यश को बचाए रखने का प्रयास करेंगे, तो ये चक्र चल पड़ता है। जब हम धर्मपूर्वक आचरण करते हैं, यम नियम का आचरण करते हैं, तो इन अनावश्यक समस्याओं से बच जाते हैं और दूसरों का सहयोग हमें अधिक प्राप्त होता है, तो हम कम विचारों से युक्त होते हैं। जैसे किसी ने चोरी कर ली, चोरी करने से पहले उसको कितना सोचना पड़ता है, चोरी करते समय, करने के बाद, पकड़ा न जाऊं, और यदि किसी को थोड़ा पता लग गया तो उसको छुपाने का प्रयास करना, निवारण का प्रयास करना, दंड न मिले उसका प्रयास करना, कितना सब कुछ उसको करना होता है। और यदि मेहनत से कमा रहा है तो इतना सब कुछ नहीं सोचना होता। तो जब हम धर्मपूर्वक चलते हैं तो विचार स्वतः ही कम होते हैं। अब उसके बाद में फिर अन्य भी प्रक्रियाएं हैं जो कि यहां पर बताई जा रही हैं।
अनेक बार हम जानते हुए भी गलत कार्य कर बैठते हैं, अच्छा जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं, इस प्रवृत्ति को कैसे बदलें? यह अनुभूति सबको होती है, सबको ये प्रतीति होती है कि जानते हुए भी गलत कार्य कर बैठते हैं। इसके पीछे भावना है कि हम गलत कार्य करना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी कर देते हैं, और अच्छा कार्य जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। उसे हम अच्छा तो मानते हैं लेकिन करते नहीं हैं, प्रवृत्ति नहीं होती या कर नहीं पाते हैं। सामर्थ्य कम हो तो एक अलग बात है, वैसे लगभग सबकी सामर्थ्य पूरी पूरी है। हम अच्छा कार्य किसको कहते हैं, किसे अच्छा कहें? तो अंततः यही आएगा, जिससे हमारा कल्याण होता है, हित होता है, वो अच्छा कार्य। और बुरा कार्य कौन सा? जिससे हमारी हानि होती है, वो बुरा काम। जिसमें हमें लाभ दिखाई दे रहा है उसको हम अवश्य करते हैं, 10 काम छोड़ के भी करते हैं, और जिसमें हानि दिखाई दे रही हो उससे पूरी तरह बचने का प्रयास करते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं होता। समस्या कब आती है, जो ये प्रश्न है कि दूसरों ने बताया कि यह अच्छा काम है और हम भी थोड़ा थोड़ा स्वीकार कर रहे हैं कि यह अच्छा कार्य है, लेकिन हमें उसमें हानि दिखाई दे रही होती है, कष्ट दिखाई दे रहा होता है, इसलिए हम नहीं करते हैं। और जो बुरे कार्य हैं जिनसे हम बचना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि ये बुरा है फिर भी उसे कर बैठते हैं, तो दूसरों के कहने से और थोड़ा स्वयं स्वीकारने से हम उसे बुरा मान तो रहे हैं, लेकिन उस कर्म में हमें लाभ दिखाई दे रहा है इसलिए हम उसको करते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध, असत्य बोलना, ये बुरे हमें पता है, लेकिन क्रोध करने वाला क्रोध में लाभ देखता है, असत्य बोलने वाला असत्य में लाभ देखता है, धन मिलेगा झूठ बोलने से, गलती हो गई है, अपमान होना है, झूठ बोल दिया, मेरे से ये गलती नहीं हुई तो उस अपमान से बच गए, ये लाभ देखता है। सच बोलना ठीक है लेकिन बोल दिया तो अपमान होगा, दंड मिलेगा, ये उसको हानि दिखाई दे रही है। एक मूल बात एकदम स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि आत्मा जिसमें लाभ देखता है, हित देखता है, उसको अवश्य करता है, और जिसमें दुख हानि पीड़ा देखता है उसको वो नहीं करता, ये अटल नियम है, इसका अपवाद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा ये प्रश्न है इससे प्रतीत होता है कि इसका अपवाद होता है। यदि ऐसा प्रतीत हो रहा है तो इसका मतलब है हम उस गलत कार्य में लाभ देख रहे हैं, तो इन सब से बचने का या इन्हें करने का, दोषों से बचने का, जिन कार्यों को नहीं करना चाहते हैं उनको करने से बचने का, और जिन अच्छे कार्यों को करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, इस स्थिति से हटने का मूल उपाय यही है कि उन गलत कार्यों के दोषों को अच्छी प्रकार से समझें, अनुभव में ले लें, और जो अच्छे कार्य हैं उनके लाभ को और समझें। अभी हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे,
झूठ बोलने से जो लाभ हो रहा है पैसे का, अब पैसे का लाभ तो हो ही जाता है, ये वस्तु कितने में खरीदी बता दिया, अधिक में खरीदी, झूठ बोल दिया, पैसे बचा लिए, तो पैसे तो आ ही रहे हैं, और पैसे आए रुपए आए तो लाभ तो हुआ ही है, इसमें हानि कहां पर हुई है? हानि उसको दिखाई नहीं देती। ये ठीक है, झूठ बोलने से, चोरी करने से कुछ धन आ जाता है या बहुत धन आ जाता है, लेकिन ईश्वर उस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा, उसके मन में नहीं है कि ये जो धन मैंने अन्यायपूर्वक कमाया है इसका दंड मुझे मिलेगा, ये तो मेरे से ले ही लिया जाएगा, अतिरिक्त दंड भी मिलेगा क्योंकि मैंने दूसरे को दुख भी दिया है। हम जब दूसरे से अन्यायपूर्वक धन लेते हैं तो दूसरे को कष्ट देते ही हैं, उसके साथ अन्याय होता ही है। तो झूठ बोलने वाले को, चोरी करने वाले को उसमें हानि नहीं दिखाई देती। आध्यात्मिक व्यक्ति को ये हानियां दिखाई देती हैं, ईश्वर का दंड दिखाई देता है, और इन गलत कार्यों को करने से जो मन पर बुरे संस्कार पड़ रहे हैं वो दिखाई देते हैं। जब वो ध्यान साधना में बैठेगा तो मन नहीं लगेगा, ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, शांत नहीं रह पाएगा, तो उसको खटका होगा, आज मैंने झूठ बोल दिया था, आज मैंने दूसरे का अपमान किया था, क्रोध से बोला था इत्यादि, उसे हानि अनुभव में आती है तो वो छोड़ता है, और जिनको ये हानि समझ में नहीं आती तो उसको करते रहते हैं। तो अपने ज्ञान को बदल देना, ज्ञान में परिवर्तन हो जाना, यही इस सब का मूल उपाय है। दोष देखने लगिए दूर हटते जाएंगे, और लाभ देखने लगिए निकट आते जाएंगे। कुछ उदाहरण ऐसे मिलेंगे जैसे कि किसी को नशे की लत लग गई, वो जान रहा है कि इससे हानि है, रोग भी हो रहे हैं, पैसा भी जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रहा है। वहां उसका दृष्टिकोण यह है कि अगर मैंने अभी छोड़ा तो उसको तलब लगती है, बहुत परेशानी होती है, वो इस समय की परेशानी देख रहा है, और यदि वहां भी ये ज्ञान काम कर जाए कि अभी थोड़े समय की हानि है, ये बेचैनी हो रही है, रहा नहीं जा रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, शौच नहीं आ रहा है, ये थोड़ी देर की परेशानी है, इसको मैंने छोड़ दिया तो जो भविष्य में बड़ा कष्ट होने वाला है, कैंसर रोग होने वाला है, उस सबसे मैं बच जाऊंगा, स्वस्थ बनूंगा, ये ज्ञान यदि दृढ़ता से हो जाए तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन चूंकि हमारी आदत होती है गलत कार्यों की, उसके संस्कार होते हैं, तो वैसा ही करते चले जाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। लेकिन जब दृढ़ संकल्प होता है, तपस्या होती है, तो ये सब चीजें होने लगती हैं। अगला प्रश्न, अगर देश विश्व आदि के लिए कुछ करना चाहे तो अपनी जान देने के अलावा और क्या कर सकते हैं? आज अगर कुछ करना चाहें तो घर वाले भी डर जाते हैं, तो सबसे उत्तम कर्म कौन सा है? मैं पेड़ आदि लगाना शुरू कर चुका हूं, और क्या करना चाहिए? पेड़ आदि भी लगाइए, घर वाले डरते हैं उन्हें समझाइए, नहीं तो घर में रहते हुए अच्छे कार्य कीजिए, और अच्छे कार्य के लिए जान देना ही आवश्यक नहीं होता, वो तो बहुत आत्यंतिक स्थिति है जब जान देनी होती है। अच्छे कार्य हम जीवित रहते हुए बहुत कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग है, और बाकी यहाँ शिविर में जो बताया ही जा रहा है आपको, अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार जो अवसर कार्य करने के आपको मिल रहे हैं उनमें से किसी को चुन करके, कुछ को चुन करके, और अच्छे कार्य प्रारंभ कर दें। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास अच्छे कार्य करने की कमी हो,
सबको अच्छे कार्य करने के अवसर सदा उपलब्ध हैं, अपने घर में, अपने आसपास में और दूर, व्यक्तिगत अच्छे कार्य, अन्यों के लिए अच्छे कार्य, किसी संस्था से जुड़ के अच्छे कार्य। अच्छे लोगों की तो बहुत कमी है, हर कोई चाहता है अच्छा व्यक्ति मिले, सेवा देने वाले मिले, आपको आगे होकर के बुलाएंगे, आपका सम्मान करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं है, सर्वत्र हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न, परमात्मा क्या है, कौन है? क्या वह एक अनुभूति मात्र है? मन में उसका संकल्प लेना बहुत कठिन हो रहा है। तो परमात्मा क्या है? संक्षेप से, परमात्मा भी एक वस्तु है, जैसे पेड़ पौधे वस्तु हैं, ये शरीर चेतन प्राणी हम वस्तु हैं, आत्मा यानी चेतन तत्व हम एक वस्तु हैं, ऐसे ही परमात्मा भी एक वस्तु है, एक द्रव्य है। लेकिन वस्तु और द्रव्य का ये तात्पर्य नहीं कि उसमें रंग हो, रूप हो, स्पर्श हो, भार हो, ये तात्पर्य नहीं। सब वस्तुओं में ये धर्म नहीं होते, जिसमें गुण रहते हैं उसे वस्तु द्रव्य कहते हैं। परमात्मा में भी गुण हैं, आनंद, ज्ञान, कर्म है उसके बहुत सारे, वो चेतन है, वो व्यापक है, इन गुणों के कारण से वो भी एक द्रव्य है, वस्तु है। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा एक शक्ति है, क्योंकि द्रव्य जैसा तो वो दिखाई नहीं देता, पहाड़, जल, पत्थर आदि की तरह से। तो परमात्मा शक्ति है ऐसा कहने की बजाय कहना चाहिए वो शक्तिमान है, शक्ति वाला है। शक्ति और शक्तिमान में अंतर होता है। हम शक्तिमान हैं, जितनी शक्ति है हमारे में शक्ति है, और हम शक्ति वाले हैं। परमात्मा शक्तिमान है, मात्र शक्ति नहीं है। शक्ति को रहने के लिए कुछ आधार चाहिए, बिना आधार के शक्ति नहीं रहती है। तो जो शक्ति का आधार है वो परमात्मा है, जो ज्ञान का आधार है, ज्ञानवान, वो परमात्मा है। आगे इन्होंने पूछा है कि वो क्या अनुभूति मात्र है? अनुभूति भी होती है उसकी, अनुभूति का मतलब प्रत्यक्ष से ही है। प्रत्यक्ष केवल आंखों से ही नहीं होता, अन्य ज्ञानेन्द्रियों से भी होता है, और मन से भी होता है, आत्मा से भी होता है। तो परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञानेन्द्रियों से नहीं होता, वो अंदर आत्मा के द्वारा ही होता है। इस दृष्टि से आप उसे अनुभूति कह सकते हैं, लेकिन मात्र अनुभूति नहीं है वो। जब हम भोजन करते हैं उसकी अनुभूति हमें होती है, कोई भी कर्म करते हैं उसकी अनुभूति होती है। नहाने के लिए यदि नदी में उतरे हैं तो हमें अनुभूति होती है, लेकिन नदी अनुभूति नहीं है। नदी में जाने से नदी की अनुभूति होती है, पानी की अनुभूति होती है। तो परमात्मा मात्र अनुभूति नहीं है, वो अनुभूति जिस कारण से हो रही है, जिसकी अनुभूति हो रही है, वो परमात्मा है। और अच्छी तरह से यदि हम विचार करेंगे, ये संसार अपने आप तो नहीं बनता, आत्माएं तो बना नहीं सकती हैं, लेकिन कोई इसका बनाने वाला होगा, इत्यादि बातों को विचार करते, मनन करते करते मन में ये स्थिर भाव आ जाता है कि बिना परमात्मा के ये सब नहीं चल सकता, ये बुद्धिपूर्वक रचना नहीं हो सकती, तो परमात्मा का स्वीकार हमारे को होता है।